एक मिनट, वहीं अगर हम धोखे से मॉम को हड्डीराम से लात पड़वा दे तो कैसा रहेगा? है धोखा मतलब? धोखा मतलब ये कि समझो कि हम मॉम से ऐसा कुछ कह दें कि अमेरिका से एक डॉक्टर आया है, डॉक्टर हसमुख। हड्डीराम का हुलिया बदलकर हम उसे डॉक्टर हसमुख बना देंगे और बोल देंगे कि ये एनआरआई डॉक्टर है। अरे मही, अमेरिका का नाम सुनते ही मॉम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगी। अमेरिका का नाम सुन के ना मॉम एकदम खुशी खुशी इलाज करवाएंगी मही। सच में कितना जानते हो आप सासू माँ को, वाह मान गए। एक्चुअली मही, तुम्हारी सासू माँ बनने से कुछ साल पहले वो मेरी मॉम बन गई थी। अच्छा। क्या मस्त लग रहे हैं, है ना? मस्त लग रहे हैं। अरे क्या कपाल मस्त लग रहा हूँ मैं? वो अनसुया जी ने कितनी मेरी बेइज्जती की, बहुत खराब लगा था मेरे को। ये तो मैं मही बेटी के लिए वापस आया हूँ, हमारे गांव की बेटी है ले। सॉरी हड्डीराम जी, हम सब मॉम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी। अरे क्या सॉरी बोलते हो, वो हजाम मेरी मूछ मूंड रहा था तभी तुम सॉरी बोल रहा था, कितना गुंडा लगता हूँ मैं अभी? नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। हाँ इधर थूकू आप, ठीक है दूसरा थूक दो। अरे तू थूक गंधरो। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, अगर आप मॉम के सामने मुंह खोलेंगे ना तो मुंह खोलते ही आप पकड़े जाएंगे, इसलिए हमने मॉम से कह दिया है कि आप गूंगे डॉक्टर हैं और अमेरिका में रहते हो। मैं गूंगा? प्लीज कोऑपरेट कीजिए ना थोड़ा, ठीक है? ओके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिकन लोग ना हमेशा बात करते करते बीच बीच में ऐसे यो 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 ऐसे करते रहते हैं। क्या करते हैं ये यो यो? तो आप ना मॉम से बात करते करते बीच बीच में स्टाइल मारते रहना, ऐसे हाथ ऊपर करके। सिंपल है, ऐसा करूं मैं? अरे नहीं यार, मैं बहुत गुंडा लगूंगा। नहीं आप बहुत अच्छे लगेंगे, आप ट्राई तो करिए, देखिए। यो यो वाह, यो यो बस, यो यो यो। चलिए चलिए चलिए, मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है मेरा। मेरे इलाज के लिए अमेरिका से डॉक्टर को बुलाया है। अमेरिका, उफ, अब तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। मॉम, मिस्टर हसमुख इज हियर, आ गए। ओह हेलो डॉक्टर हसमुख, वेलकम टू इंडिया। ओह यस, वाओ डॉक्टर स्टील का है पर, अरे वाह, ये देखो ऐसे करते हैं इलाज, स्टाइल से ही मुझे आराम मिल गया। टिकल हो रहा है डॉक्टर। डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए, हाँ वरना ये मेरी गांव की गवार वेराखड़ी बहू पता नहीं किसी गधे पागल जानवर इंसान को लेके आई थी। हड्डीराम नाम था उस जानवर इंसान का, शक्ल से ही चोर जैसा लग रहा था। मुझे बोल रहा था कि आपकी पीठ पे लात मार के आपको ठीक कर दूंगा। मन तो कर रहा है उसके ही मुंह पे लात मारूं। कभी मिल जाए ना तो इतना मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मन कर रहा है कि मेरे पांव के नीचे उसे मसल दूं, मुंह पे हजारों चप्पल मारूं। मुंह पे हजारों चप्पल मारेगी है? ले ले मार मार चप्पल मार। तू फिर से आ गया? पागल का इलाज करने के लिए मेरे को बुलाया तुमने? अरे मैंने मेरी मूछें भी मुंडवा दी। इसका इलाज करने को वापस मत बुलाना, हाँ बोल देता हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं। बोल रहा है कि लात मार के तुमको ठीक कर दूंगा, उल्लू बनाता है लोगों को, और तू मेरा खड़ी। ये देख तुझे भी तेरी बीवी ने बेवकूफ बनाया, सेम टू सेम आदमी थे दोनों। मैं अपने आप ठीक हुई हूँ, ओके? भगवान ने तुझे इतनी भी अक्कल नहीं दी?
बस बस ऐसा बार बार डांट मत कीजिए मुझे। लात तू तो ना थी, जरा ही नहीं। एक मिनट। माम अब तो आप ठीक हो गए हैं तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं मस्त। ओ नो 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 नो, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। पर माम आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि आप बीमार हैं, नहीं आ सकते।